बहुत सारे लौंडों के मन में लड्डू फूट रहा है कि फर्स्ट क्लास में क्या क्या होता है, क्या क्या कमेंट में आता है ना, सब देखते हैं हम। समझ में आया? और कभी कभी ज्यादा व्यस्तता के कारण कमेंट नहीं देख पाते, लेकिन सब कमेंट पढ़ते हैं। क्या क्या बात करते हो सब लड़के लोग, और क्या क्या कमेंट करते हो। तो चलिए इसी पे बात करते हैं कि फर्स्ट डे क्लास में कैसा एक्सपीरियंस रहता है, एक्साइटमेंट रहता है, और क्या क्या सोचते हैं लौंडे लोग। समझ में आया? चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जहाँ तक बात किया जाए तो फर्स्ट डे क्लास में एंटर करने के बाद बहुत सारे ऐसे ऐसे लड़के रहते हैं जिनको लगता है कि एक दुनिया नए दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। और कुछ कुछ होते हैं जो चिड़पना करते हैं, उनका तो आदत ही होता है, वो सब जगह मिल जाते हैं। और कुछ कुछ थोथ रहते हैं जो हमारे जैसा चुपचाप बैठे रहते हैं, उनको दुनिया में क्या हो रहा है उनसे मतलब है, लेकिन क्लास में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे में हमारे वैसे कैटेगरी के कुछ लौंडे होते हैं, और बहुत सारे लोग रहते हैं जो अपना व्यवस्था करने में व्यस्त रहते हैं, और बहुत सारे लोग जो रहते हैं अपने नए नए क्लास में क्या होगा, कैसा मतलब क्या क्या किया जाएगा, और बहुत इतने दिनों के बाद स्कूल में पढ़े हैं। अब लड़का लोग तो भाई बड़ा हो गया है, अब क्लास में जाएगा, नया नया एक्साइटमेंट रहता है। और पहला दिन क्लास में आएगा और टीचर आएगा, अपने स्टार्ट कर देगा। अगर मान लीजिए बढ़िया कोई टीचर आया तो थोड़ा पूछ लिया, फर्स्ट डे क्लास है स्टूडेंट्स, तो मतलब थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ले लिया, थोड़ा पूछताछ लिया, तो काम चल जाएगा। अब कोई कोई टीचर आया लगा रगड़ने, जैसे स्कूल में रगड़ता है, तो स्टूडेंट जिस वो फ्लैट देगा। उसके बाद फिर जो एक्साइटमेंट रहता है ना वहीं चला जाता है, और धीरे धीरे जो सोचे रहते हैं ना दिमाग से उतरने लगता है भूत। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हाँ भाई क्लास में जाएंगे, पहला दिन है, और मतलब बहुत सारे 10 साल 15 साल का एक्साइटमेंट कि स्कूल पास करने के बाद कॉलेज करना है, कॉलेज करने के बाद जॉब करना है, तो कॉलेज में हम ऐसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे। देखिए कॉलेज में जो पढ़ाई होता है ना वो आपके स्कूल से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। अब स्कूल में आपको टीचर्स बोल भी सकते हैं कि हाँ बच्चे लोग पढ़िए क्या ही, मतलब आपको थोड़ा प्रेशर हो सकता है, लेकिन कॉलेज में आपको बहुत कम ऐसा टीचर मिलेगा जो बोलेगा, उसको कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो, भाड़ में जाओ, बस आपका सिलेबस कंप्लीट वो कंप्लीट। बहुत यही होता है, यही होता है सब जगह, यही होता है, कहीं का पढ़ाई या बुराई हम नहीं कर रहे हैं, सब जगह का यही हाल है। हम इतने जगह घूमते हैं ना, सब जगह का देखते हैं, सब जगह के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लड़कों लोग से भी मिलते हैं, सबसे हम जानते हैं। और जहाँ तक बात किया जाए फिर धीरे धीरे क्लास में वही टाइम टेबल बन जाएगा, तो फिर लगेगा कि अरे यार वो स्कूल वाला दिन ही को उतना बहुत सारा लड़कों को कि बढ़िया था, और जिन जो ज़्यादा उम्मीद लेके आए रहते हैं ना तो उन पे पता है क्या होता है। क्या बताया जाए, एक बाल्टी पानी उनके उम्मीद पे फेंक दिया जाता है, वो साफ सफाई हो जाता है। चलिए ऐसे कोई बात नहीं है, एक्साइटमेंट रखिए, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा फर्स्ट डे क्या क्या होता है। और फिर धीरे धीरे जब रेगुलर क्लास हो जाता है, आने जाने लगेंगे, तो जो रहता है फिर से वो मतलब होता है, शुरू शुरू जब कोई आता है तो भाई हाँ नया नया है, नया एक्सपीरियंस, बहुत कुछ नया नया देखने को मिलेगा, हवा पानी नया नया मिलेगा, समझ रहे हैं ना। उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने सिचुएशन में आ जाएगा, तो फिर एक नॉर्मल जीवन लगने लगेगा, फिर लगेगा कि यार वही बढ़िया था जो हम थे, और कहाँ ही झोल में फंस गए, फिर चलता है जिंदगी। तो कितने कितने लोग हैं जो बड़ा एक्साइटमेंट है फर्स्ट डे क्लास के लिए, और क्या अनुभव कर रहे हैं, अपना अनुभव जरूर हमें बताइएगा। पढ़ते हैं कमेंट, ऐसा बात नहीं है, सबका कमेंट पढ़ते हैं, तो जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर एक वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।